तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी कर दी है। हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेवन्थ फेज़ जो लास्ट फेज बचा था उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है सीबीटी वन का, उसका इन्होंने नोटिस जारी कर दी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नीचे यहाँ पर 1/7/2021 को ये नोटिस जारी हुई है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जारी हुई है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा गया है सेवन्थ एंड लास्ट फेज़ ऑफ द एग्ज़ाम शेड्यूल्स फॉर सीबीटी वन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट दिया गया है, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द सेवन्थ लास्ट फेज़ ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी वन, जो कि आप लोगों का होगा 23 तारीख को, 24, 26 और 31 तारीख को ये पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों अप्रॉक्स 2.78 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट लिंक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेकंड दिया गया है, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द फेज द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट। ठीक है, SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनको जो ट्रैवलिंग की सुविधा दी जाएगी वो फ्री दी जाएगी। ओके, विल बी मेड अवेलेबल ऑन द RRB वेबसाइट। ये RRB वेबसाइट पर आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा 10 days बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ये नोटिस जारी कर दी जाएगी। आप लोग वहाँ से सिटी एंड जो एग्ज़ाम का डेट है और जो एग्ज़ाम की सिटी है उसको आप लोग पता करके आप लोग यहाँ से टिकट जो है आप लोग निकलवा सकते हो। ओके, SC/ST कैंडिडेट के लिए फ्री सेवा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है, डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड लेटर विल स्टार्ट 4 days प्रियर टू द एग्ज़ाम डेट मेंशन टू द सिटी एंड डेट इंटीमिनेशन लिंक। ठीक है, आप लोग RRB की वेबसाइट पर जाके वहाँ से दोस्तों 4 दिन पहले आप लोग एडमिट कार्ड जो है इसको निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेसेसरी इंटीमिनेशन इज़ आल्सो बीइंग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल इन द सेवन्थ फेज, ईमेल एंड मोबाइल नंबर गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप लोगों को 10 दिन पहले ही जो है इसका जो है ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे जो सिटी का जिस सिटी में होगा एग्ज़ाम और किस डेट को होगा, ठीक है, कहाँ पर सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पे और मोबाइल पे दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ हेल्प डेस्क है, यहाँ पर दिया गया ए हेल्प डेस्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन द RBC, यहाँ पर RRB ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ द हेल्प डेस्क ऑफ सीकिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क मतलब ये है कि मतलब आप लोग RRB की वेबसाइट पे जो हेल्प का ऑप्शन है वहाँ से जाके कोई अगर आप लोगों को परेशानी दिक्कत आ रही है तो वहाँ से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 6th वाला, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB ऑफ लेटेस्ट अपडेट। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को अपडेट होना है तो केवल RRB के वेबसाइट पे ही जाके यहाँ पर आप लोग अपडेट हो सकते हो। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट बी मिसल्ड बाई अनऑथराइज्ड सोर्स, मतलब कहीं से अलग जगह से कोई भी चीज़ आप लोग जो ऑफिशियल साइट पे जो चीज़ होती है ना वो एकदम से प्योर होती है, तो उसी पे जाके आप लोग वहाँ से कुछ भी जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कुछ भी करना है तो आप लोग वहाँ से ही डाउनलोड करिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया दोस्तों कैंडिडेट्स आर एडवाइजली टू स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड, मतलब जो कोविड के जो भी सारे रूल एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मास्क एंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें ले जानी होगी वहाँ पे। ठीक है, और मास्क ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफ, मतलब जब फोटोग्राफ केवल लिया जाएगा वहाँ पे आपका, जब फ़ोटो लेंगे आप लोगों का तब आपको मास्क निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा आप लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर 8 वाला नंबर, कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्ली विद द इंस्ट्रक्शन अपलोडेड एलॉन्ग विथ ई कॉल लेटर। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, उसके बाद से ई कॉल लेटर जो है उसको निकाल लीजिएगा, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कोविड से जुड़े। ठीक है, तो इसके साथ कोविड वाला भी आप लोगों को एक फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बैंड टर्म आइटम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो वैसे आप लोगों को पता होगा क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में ले जाया जाता है क्या क्या नहीं ले जाया जाता है, आप लोग वहाँ पर एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, मेंशन रहेगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक खुशी की बात यह है कि मतलब RRB NTPC का जो लास्ट फेज़ है जो होना था कोविड की वजह से टल गया था वो आप लोगों का यहाँ पर 23, 24 और 26 और 31 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ी खुशी, एक राहत मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।